और कराची में 50 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब हुई, जिसके तमाम तर अखराजात सदर आसिफ अली जरदारी ने बर्दाश्त किए। खुशियों भरी इस तकरीब का हाल किरणनाथ की जबानी। मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, शादमानी ओ शादमानी। आसमानों पर बनने वाले ये 50 जोड़े आज वाराणसी ग्राउंड में रिश्ते अजदवाज में मुंसलिक हो रहे हैं। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में सजी सजाई दुल्हने हया खुशी से गुलनार हुई जा रही हैं। बहुत प्यार दूंगी, सिंगल तो होनी चाहिए, लेकिन गरीब हैं तो किसी की मदद से हो रही है तो सही है ये बात है। यहाँ तो दुल्हनों के साथ साथ दूल्हे भी शर्मीले मालूम होते हैं, लेकिन शादी की खुशी छुपाए नहीं छुप रही। अच्छा लग रहा है, हमारे रिश्तेदारों में शादी और मैं आज बहुत खुश होंगी। इज्तिमाई शादी की तकरीब में शरीक जोड़ों का ताल्लुक कराची के पसमानदा इलाकों से है, जिनके रिश्ते तो मौजूद थे मगर वसाइल मैसर ना थे। तकरीब इंतजामिया के मुताबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने गरीब जोड़ों के दुख को समझते हुए इस तकरीब के तमाम अखराजात की जिम्मेदारी उठा ली है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा दान है उनका इसको स्पॉन्सर करने का, लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटी सी तकरीब है। ऐसी तो बेशुमार हमें हमारी बहनें हैं जो यकीन घर बैठी होंगी, उनकी भी शादी होनी चाहिए। अपने मन में सुहाने ख्वाब सजाए आज ही दुल्हने पिया देश सधा रही हैं। महंगाई के इस दौर में माँ बाप पर बोझ बनने के बजाय इन दुल्हनों ने भी इज्तिमाई शादी को तरजीह दी है। किरण नाज, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।